मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के जो है वो 12 बज रहे हैं, सुबह के दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोगों को उठे हुए एक घंटा हो गया। हम लोग 11 बजे उठ गए थे, उसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह हुए और अभी जो है वो हम लोग चाय लेकर बैठे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेन भी आज रात की ही है, तो बस आज का ही टाइम है हमारे पास। अभी तो हम लोग चाय वगैरह ही पी रहे हैं, खाना बन रहा है और देखते हैं क्या करना है। मुझे एक दो चीज़ें थी, शायद मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ेगा, तो जैसा भी होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं अपने चाय का आनंद लेना चाह रही हूँ और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी आप जैसे कि देख चुके हैं, अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है बारिश 15 मिनट पहले, ये देखिए बहुत तेज़ हो रही है। और अभी जो है वो शाम के 4:30 बज गए हैं, हम लोग जस्ट अभी चाय पी रहे थे। तो उसी समय उठने के बाद मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने उसके बाद नहाई और फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ी थोड़ा बहुत, फिर भी हम लोग चाय पी रहे थे। और क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो रात को है 11 बजे इलाहाबाद से, तो हम यहाँ से लेकिन जल्दी चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बस वगैरह फिर रात में जाना मतलब कोई अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग यहाँ से जो 6 बजे बस निकलती है एक इलाहाबाद के लिए उस पर चले जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि 5 बजे से जो है वो रेडी वगैरह होने लगेंगी और यहाँ पर मतलब यही 5:30 के अराउंड निकल जाएंगे यहाँ से, 6 बजे की बस है, और ताकि टाइमली हम इलाहाबाद पहुँच सके। फिर एक बार स्टेशन पहुँच गए इलाहाबाद, फिर तो आराम से वहाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से टाइम पर ही निकलना ज़रूरी है। सो अभी मैं बस अभी थोड़ी, मैंने सोचा कि तब तक के लिए जब तक 5 बजे तक टाइम है कुछ पढ़ लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि कितनी तेज़ बारिश होने लगी है अचानक से ही, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी जोरदार बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी जैसे कि शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब एज़ पर शेड्यूल हम लोग जो है वो अभी पैकिंग करेंगे फटाफट, और क्योंकि हमें अब आधे घंटे के अंदर निकलना है। सो अभी वही यहाँ पे मैं वही अपनी पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, देखिए मैंने ऑलमोस्ट बैग में सारे सामान रख लिए हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं सैनिटाइज़र है रख ली हैं, वीडियो वगैरह अपने रख ली हैं। ये फोन मेरा, इधर जाना क्या मम्मी वाला डाले बहन, सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी पैक कर ली हैं, बस अब मुझे जो है वो रेडी होना बस बचा है, मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। पूरा बैग मैंने पैक कर लिया है, अब जा रही हूँ मैं फटाफट, फेस वगैरह धोऊंगी और रेडी हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है वो तैयार हो चुके हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं और अब जो है वो मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरा काम जो है वो डन हो चुका है। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग अभी काफ़ी देर के जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, तो हम लोग रेडी तो हो गए हैं, लेकिन बारिश फिर से बहुत तेज चालू हो गई थी बंद होने के बाद और हम लोग नहीं निकल पाए। तो अभी 6 बज रहे हैं, बट हम लोग अभी घर पे ही हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हैं अब थोड़ा जाके बंद हुआ है, तो अब जो है वो हम निकलेंगे क्योंकि बारिश का पता नहीं अब बाद में और तेज़ हो जाए। अच्छा ये है कि अभी जब थोड़ा सा धीमे हैं तब तक हम लोग निकल लेते हैं। सो अभी हम लोग बस अब निकलने वाले हैं, निकलेंगे। ये देखिए एकदम बारिश बहुत तेज होने लगी थी अभी, ये देखिए आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज चल रही है। और मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कहीं जाना होता तो घूमने चले जाओ आप देख सकते हैं मौसम कितना बढ़िया हो गया है। सो हम लोग बस अब निकलने वाले हैं, निकलेंगे और पहुँचते हैं बस स्टॉप फटाफट। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है वो बारिश थोड़ा थम सी गई है, तो हम फटाफट निकल रहे हैं और हम यहाँ पे अपने बैग सामान के साथ तैयार हैं और अब हम फटाफट निकलेंगे बस स्टॉप की और देखते हैं। वो जो हमने शेड्यूल था 6 बजे की बस पकड़ने का वो तो गया, हम क्योंकि निकल नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, लेकिन अब देखते हैं हमें कौन सी बस मिलती है। पानी गिरने लगा था, ये बताओ मास्क जरूरी रुक जाओ फिर। बिल्कुल मास्क तो जरूरी है ही, मास्क हमें पहनना ही है। और अभी आपने रास्ते भर में देख ही लिया होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पालन हो रहा है कोरोना का, बट हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा हमारे हाथों में है और हम हमेशा मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करते हैं। अब चेक यहाँ पे एकदम रेडी हो चुके हैं। चलिए तो फटाफट निकलते हैं बस स्टॉप की ओर, इससे पहले कि फिर से बारिश हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे रास्ते हो रखे हैं, गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं पता नहीं चले गए हैं, बट हम लोग चल रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर आगे चलना पड़ेगा, वहीं से ऑटो मिलेगी, तो हम रोड तक जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स हम अभी भी जो है वो चल रहे हैं और बारिश मैं आपको बता दूँ कि बंद नहीं हुई, अभी भी चल रही है, बट अब हम लोग रुक नहीं सकते हैं क्योंकि रुकेंगे तो फिर अब बारिश तो होती रहेगी, पर थोड़ा बाद में और तेज़ हो जाए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्टॉप। सो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग अब बस पहुंचने वाले हैं बस स्टॉप और बारिश तो बंद हो चुकी है, बारिश हो नहीं रही है। ये देखिए ये लाइट चली गई, यहाँ लाइट बहुत जाती है, अंधेरा हो गया, बट ये हाईवे ही है, यहीं से आपको जैसे कि मैंने बताया था बस वगैरह आपको यहीं से मिलेंगी, आगे जो है यूपी साइड जितनी भी बसेस जाने के लिए है वो सारी बस यहीं से मिलेंगी और वापस आने के लिए भी इधर से ही मिलेंगे। ये देखिए हम एकदम बॉर्डर पे आ चुके हैं, ये देखिए गाइस दिख रहा है आपको बोर्ड में, आप देख सकते हैं लिखा हुआ मध्य प्रदेश सीमा समाप्त, तो ये जो पॉइंट है वो एकदम लास्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। और आप उस साइड जाएंगे तो आप इलाहाबाद आ जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तो ये देखिए एकदम ये मध्य प्रदेश सीमा समाप्त हम खड़े हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है हाईवे है, मम्मी आगे आगे चल रही है, फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं। ये देखिए और मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं छोड़ने के लिए आई थी हमारी, ये लो इसको भी रख दो भाई, अरे मम्मी को तुम क्यों समझाओगे, जाओ डुबी दब रहा है। सो फ्रेंड्स हम अभी जो है वो बस में बैठ चुके हैं और जैसा कि आपने देखा मम्मी भी आई थी छोड़ने और हमें यहाँ पे आते से ही बस मिल गई, वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा, लगी लगाई बस मिल गई है और अभी आई थिंक 5 से 10 मिनट में ये बस छूटेगी अब निकलेगी, तो वेट करते हैं अभी। ये बस हमें जो है इलाहाबाद पहुँचा देगी, कितने टाइम पहुँचा देगी, 1.5 घंटे में हम इलाहाबाद पहुँच जाएंगे, ये ऑलमोस्ट उतना ही दूर है जितना रीवा से सतना था, ट्रेन मिलेगी।
फ्रेंड्स फाइनली जो है वो चल चुकी है बस, आप देख सकते हैं फुल स्पीड में एकदम बस चल रही है। तो आई थिंक जैसे स्पीड है बस की तो हम एकदम टाइमली पहुंचा देगी एक लाख। तो फ्रेंड्स फाइनली हम इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और अभी जो है वो हम बस से उतरे हैं और यहाँ अभी भी बारिश हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं। और अभी हम क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत ऑटो में हम बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से प्रयागराज जंक्शन जाएंगे। ये अभी प्रयागराज में अभी यहीं पर बस हमें यहाँ पर छोड़ी है और यहीं से हमें ऑटो मिली है, अब ऑटो से हमें स्टेशन पहुँचना है टाइम पर। ये देखिए बारिश अभी भी यहाँ पर लगातार हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हम जो है ऑटो से उतर चुके हैं और हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए यही है, यहीं से हमें अंदर जाना है। कहाँ जाना? तो फ्रेंड्स हम अभी अंदर आ चुके हैं और यहाँ से देखिए ये प्रयागराज जंक्शन है। हम प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं और आप भीड़ देख रहे हैं काफ़ी है और रीज़न यही है क्योंकि फेस्टिव सीजन में सब अपने घर आते हैं, स्टूडेंट्स और बाकी सब लोग जो बाहर काम करते हैं, इस वजह से आपको भीड़ भी दिख रही है। भीड़ बहुत है आज, पीछे खाली है, उधर खाली है, उधर ही बैठते हैं आराम से। आज भीड़ बहुत ज्यादा है। हमें हमारी कुर्सी मिल गई, हम बैठ गए हैं। ये देखिए गाइस कितनी भीड़ है आज। सो फ्रेंड्स अभी हम ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन पर बैठे हैं और क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो रात की है 11 बजे की, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए हमने अपना फेवरेट काम करना अभी स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे अभिषेक जो है वो देखिए चाय लेकर आ गए हैं, ये देखिए, और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि ट्रेन यहीं से चलेगी और सामने खड़ी हुई है बल्कि, पर वो तो टाइम से ही चलेगी। हेलो गाइस चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ये देखिए रेलवे स्टेशन में चाय पीने का अपना ही मजा है। सो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन जो है वो अब प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, ये हमारी ट्रेन है। तो अब हम जा रहे हैं क्योंकि लगभग 10:45 बज चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपनी ताकि हम टाइम पे जो है अपनी सीट पे बैठ सकें। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है वो हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ट्रेन पे बैठी हुई हूँ और ये मैंने यहाँ पे अपना बिस्तर अच्छे से लगा दिया है और मैं बैठ चुकी हूँ।
अभी ट्रेन आई थी 2 से 3 मिनट में चल देगी, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ट्रेन जो है फटाफट चलने वाली है। और मैं भी अभी तो नहीं सोऊंगी, खैर मुझे तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं भी सोऊंगी। और फिर हम लोग आई थिंक सुबह जो है वो 5:30 या 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे आगरा। फिर सी कि क्या होता है, कब पहुँचते हैं। यहाँ पे ये देखिए अभिषेक भी अपना बिस्तर लगा रहा है, पहले उसने मेरा बिस्तर लगा दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है, उसके बाद वो अब अपना बिस्तर भी लगा रहा है। देखिए हम दोनों की बर्थ जो है ऊपर वाली है और हम ऊपर वाली बर्थ देते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर अपना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, चुपचाप आके सो जाओ, तो हम लोग ऊपर वाली बर्थ लेना ही प्रेफर करते हैं। और ये देखिए अभिषेक का भी लग चुका है बिस्तर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के जो हैं वो 7:15 बजे हैं और हम जो है वो उतर चुके हैं ट्रेन से, और अभी जो है हम आगरा कैंट आए हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट ट्रेन हमारी जो थी वो फिरोज़ाबाद की लेनी थी। तो अभी जो है वो हम आगरा कैंट पे उतरे हैं और यहाँ से हम पहले बस स्टॉप जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे फिरोज़ाबाद के लिए और फिर हम वहाँ पर फिरोज़ाबाद पहुँचेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं आगरा कैंट है, ये देखिए देखते हैं अभी। अब पहले तो हमें बस स्टॉप ही जाना है, उसके बाद ही निकलेंगे वहाँ के लिए। और मौसम तो एकदम सही है, ठंडा है, बारिश भी नहीं हो रही। सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो फिर अभी वेट करना पड़ जाता। फ्रेंड्स फाइनली हम जो है वो बस स्टॉप पहुंच चुके हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बसेस लगी हुई हैं और अभी यहीं से बस चलेगी फिरोज़ाबाद के लिए, डायरेक्ट बस मिल जाएगी हमें जैन मंदिर तक के लिए। ये देखिए तो अभी बस जाएंगे हम लोग, बस वगैरह में बैठेंगे और चाय वगैरह भी ले लेंगे साथ में, और यही बस के थ्रू हमें जाना है फिरोज़ाबाद। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है वो बस में बैठ चुके हैं, देखिए फिरोज़ाबाद की बस मिल चुकी है हमें ये, और अब ये जो है डायरेक्ट हमें फिरोज़ाबाद पहुंचा देगी बस, और आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में हम फिरोज़ाबाद पहुंच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग अभी बस से उतर चुके हैं, और ये देखिए ये जो है ये जैन मंदिर है जहाँ से हमने से बस पकड़ी थी वहाँ के लिए आगरा के लिए, एकदम वहीं पर हम उतर गए हैं और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। और हमला नहीं कर रहे हैं, गाय का भी हमला नहीं कर सकते हैं। सारे कहने लगे अपने। तो अभी जो है वो 9 बजने वाले हैं, और मतलब 9 बजे तक तो हम एकदम फाइनल अपने घर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं 9 बज चुके हैं और हम फाइनली जो है वो पहुंच चुके हैं अपने घर पे, रूम पे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, और अब जो है वो फटाफट फ्रेश होकर चाय वगैरह बनाएंगे, पियेंगे, और क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की छुट्टी है तो पहले तो घर वगैरह भी समेटना पड़ेगा, लेकिन ये मैं थोड़ा बाद में करूँगी। अभी जो है वो फ्रेश होकर चाय वगैरह पी के मैं थोड़ा पढ़ने वढ़ने का अपना देखूँगी, उसके बाद हम लोग साफ़ सफाई वगैरह करेंगे जैसा भी रहेगा जो भी है, क्योंकि सामान भी काफ़ी फैल जाता है जब आप कहीं जाते हैं तो भी फैल जाता है और आकर समेटना ही पड़ता है। तो ये सारे काम हम लोग निपटाएंगे, और
फाइनली जो है ये घर का हमारा टूर जो है वो ख़त्म हुआ, जो एक हफ्ते का था। हम यहाँ से सैटरडे को निकले थे और अभी मंडे को पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी एक अच्छा टाइम हमें मिल गया घर पे और हम लोग सब जगह हो आए, सबसे मिल लिया। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा समय बीता परिवार वालों के साथ और हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने दीपावली में हमारा जाना होगा, सबको सही रहा तो हम दीपावली पे जरूर जाएंगे, लेकिन तब तक तो फिलहाल अभी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए। सो ये वीडियो जो था वो यहीं तक के लिए था और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।